नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही चिंताजनक मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो कि भारत को पूरा हिलाकर रख दिया है। पिछले कई दिनों से पूरा मणिपुर स्टेट हिंसा पर जल रहा है जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है इस राज्य के जनता के ऊपर। इस वायलेंस के बारे में जानने से पहले आइए मणिपुर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। मणिपुर एक ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया जो कि अपना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम, वेस्ट में असम और ईस्ट में म्यांमार के साथ। मणिपुर की विशेषता इसके सुंदर नजारे, पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं। मणिपुर के रहने वाले लोग कई अलग अलग जनजातियों से आते हैं। यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो है मेतेई समुदाय और बाकी माइनॉरिटी में जो आते हैं वो है नागर, कुकीज एंड पांगल्स जिन्हें कि मणिपुरी मुस्लिम्स भी कहा जाता है। मई महीने में शुरू हुए ये वायलेंस में कम से कम 130 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर से मजबूरन निकाल दिया। और तो और इस हिंसा की वजह से सैकड़ों चर्च और मंदिर बर्बाद हो गया। ये हिंसा 3 मई को तब शुरू हुई जब मणिपुर के ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को विरोध करते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट में एक मार्च निकाला जिसने मणिपुर राज्य सरकार से मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में शामिल करने की मांग को केंद्र को रिकमेंडेशन भेजने के लिए कहा था। इसके बाद मणिपुर हाईकोर्ट जस्टिस ने राज्य सरकार को कहा कि उनको कुछ करना चाहिए 4 हफ्ते के अंदर। 27, the Manipur High Court had directed the state government to submit recommendations to the center on inclusion of Meiteis in ST list and consider the case within a period of 4 weeks. ये वायलेंस स्टार्ट हुआ और 2 दिन के अंदर ही करीब 60 लोग मारे गए और 5 मई को 5 दिन के लिए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया और सेक्शन 144 लगा दिया गया। मेतेई समुदाय की मांग अभी ये है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की दर्जा मिले और उन्हें संरक्षण दिया जाए और उनके मांग ये भी है कि समुदाय को उनके पूर्वजों के जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा के रक्षा के लिए उनको जनजाति का दर्जा देना जरूरी है। लेकिन जो जनजातियाँ मेतेई को जनजाति का दर्जा देने में विरोध कर रहे हैं जिनमें कि नागा और कुकी आते हैं, इनका कहना है कि मेतेई पॉपुलेशन में ज़्यादा है और राजनीति में उनका दबदबा भी है। इनका कहना है कि मेतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, उनको पहले से ही SC और OBC कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगर मेतेई समुदाय को आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों को नौकरी और कॉलेज में सीट मिलना कम हो जाएंगे, ऐसा बाकी जनजातियों का कहना है। मणिपुरी तो कई समय से ये वायलेंस को झेल रहे थे लेकिन ये पूरा देश को पता चला 19 जुलाई को जब एक वीडियो निकल कर आया जिसमें कि 2 महिला को बिना कपड़ों के रास्ते पर चलाया जा रहा था। ये वायलेंस का दोष हम किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाल सकते, ये सिर्फ एक उदाहरण थी कि जब पूरा सिस्टम गलत होता है तो क्या होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।